आज का है ना सैंपल और एग्जाम्पल, सैंपल बनना है। सैंपल में हमेशा बेस्ट क्वालिटी रखते हैं ना बिजनेसमैन होते हैं ना, ब्रीफकेस में भी वो अच्छी जो क्वालिटी होगी वो रखते हैं। तो बाबा बाबा के ब्रीफकेस में हम हैं, जो अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले बच्चे होंगे उनको बाबा रखेगा अपने साथ। आज का पुरुषार्थ है बाबा मुझे अपने साथ रख रहा है, मैं बाबा के साथ हूँ नहीं, क्योंकि दुकानदारी तो उसको करना है ना। ब्रह्मा बाबा भी तो बहुत अच्छा व्यापारी था, वो ब्रीफकेस में हमेशा बेस्ट क्वालिटी वाले डायमंड के गहने रखते थे। और पहले वो डायमंड के गहने वो पहनाते थे ना दादी को, तो वैसे वो वाले डायमंड। तो इसी तरह तो आप सब कौन हो, सब सैंपल्स हो। हाँ, बहुत लोग प्रभावित होते हैं आप सबको देखकर। और दूसरा एग्जाम्पल प्रत्यक्ष प्रमाण। तो सैंपल बाबा के लिए है और एग्जाम्पल दुनिया वालों के लिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, एग्जाम्पल मतलब क्या कि ये ऐसा है मैं भी ऐसा हूं, मतलब ऐसा हो सकता है। तीन बातें है ना एग्जाम्पल के लिए। एक तो वो इजी टू फॉलो, सामने कोई एग्जाम्पल होता है तो हम भी, हमको भी लगता है हम भी कर सकते हैं, और दूसरों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब हम एग्जाम्पल को सामने देखते हैं। और तीसरा है सूक्ष्म दृष्टि एंड वृत्ति। कौन से में क्या उदाहरण बनना है, जो सूक्ष्म है दृष्टि वृत्ति उसमें चेंज, और स्थूल जो बोल और कर्म है उसमें चेंज। अब मेरी, मैं शब्दों में बहुत मिठास है, प्रेजेंटेबल है। सूक्ष्म में दृष्टि वृत्ति वैसी है, तो एग्जाम्पल मतलब सूक्ष्म एंड स्थूल दोनों। और एग्जाम्पल के लिए कोई भी जरूरत नहीं है कोई स्पेसिफिक, छोटा हर चीज उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। हम लोग मंत्री जी के पास गए थे एक बार इनवाइट करने, तो बैठे थे जब तक वो नहीं आए, तो वो उनके कमरे को में बैठे थे, तो वो पूरा कमरा, हाफ ऑफ द कमरे में हर कोई महान व्यक्ति का, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बुद्धा, क्राइस्ट, मतलब सबके फोटोज लगे हुए हैं उसके। तो एग्जाम्पल के लिए क्या चाहिए, जरूरत नहीं कि वो व्यक्ति सामने हो, इवन उसका कमरा एक एग्जाम्पल बन जाता है। तो हमारा ऑफिस रूम है, हमारा बेडरूम है, वो भी एक एग्जाम्पल बन सकता है कि अच्छा बाबा का बेड व्हाइट कलर का है ना, हमारा जो बेड है एकदम व्हाइट, तो वो ही बहुतों को एग्जाम्पल में लगता है कि अरे पूरा व्हाइट कपड़ा ही रहता है। तो हर चीज एक एग्जाम्पल है, इसलिए क्या पुरुषार्थ होगा। बाबा ब्रीफ केस में, बाबा की कंपनी, बाबा मुझे लेके जाएगा ना, तो मैं ऐसा सैंपल हूँ, बाबा मुझे साथ रखता है, ऐसे मैं फील करी। अब ये फीलिंग मुझे आए बाबा मुझे साथ रखता है, बाबा मुझे दूसरों को दिखाता है कि ये देखो, ये बच्चे को देखो, मतलब मेरी इतना, मेरा इतना अच्छा पुरुषा रहते बाबा मुझे साथ रखता है। ये फीलिंग कर सकते पूरे दिन 15 बार, और 15 बार बात।